वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 1120 का श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट सेल। ट्रांसपोर्ट में एक बिकवाली करने का कॉल, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ बायर्स और कुछ सेल्स के साथ इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। रचना जी हाय, गुड मॉर्निंग। रचना जी क्या लेकर आए हो आप? एशियन पेंट्स तो कल ही अचीव हो गया टारगेट, अब क्या जी? हम भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स तो सेल करेंगे और ऐसे लगाएंगे 732 पे। डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 715 एंड 720 एंड 710। एयरटेल कल जाते जाते जब बाजार में वो वैल्यू रोड हो रही थी, करेक्टिव मूव आया था, वो डंप किया जा रहा था गोरों के द्वारा माल, तो भारतीय एयरटेल भी अच्छे खासे प्रेशर में सेकंड हाफ में आखिरी के आधे घंटे में आया था। आज दबाव के साथ और शायद काम काज हो, एक सेल कॉल आता हुआ। मयूरेश की आजकल टेक्नो फंडा कॉल चल रही है, वो उस दिन आप थे नहीं, दोपहर में जुड़े नहीं, वो महिंद्रा हॉलीडे दिन भर खूब सुखबुगाहट में रहा, अच्छी तेजी बनी रही, आज क्या है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है, जो अस्थित रचना राजेश सतपुती जी ने कहा है, बहेती जी ने कहा है, आई थिंक वो बरकरार रहेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन माइक्रो कंसर्न्स। और हमारी ओनील मेथोडोलॉजी के हिसाब से सिक्स मार्केट्स आशीष जी एशियन पैक रीजन के अप ट्रेंड में, जो अप ट्रेंड मार्केट था वो प्रेशर में आ चुका है, इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, ताइवान, सिर्फ इंडोनेशियन मार्केट शायद एक कन्फर्म्ड अप ट्रेंड में आज की तारीख में। तो आई थिंक मिले जुले रुझान रहेंगे, बट हमें लगता है आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ अगले पिछले कुछ हफ्तों से। और हमें लगता है आई थिंक केमिकल स्पेस में गुजरात एल्कलीज, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दो तीन चीज़ें हो रही है आशीष जी। एक आई थिंक जो एल्कली इंडस्ट्री है, यानी जो हम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक लाइज, क्लोरीन, एल्कलाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, इसमें जो गुजरात एल्कली की यूटिलाइजेशन लेवल है ये 100% के ऊपर है कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स। दूसरा आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ गुजरात एल्कलीज के 9 महीनों में पोस्ट की है, मुझे लगता है कि दे कंटिन्यू दिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विच दे विल, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है, दे विल एक्सीड दैट सेल्स ओवर द लास्ट 6 to 7 years एनुअलाइज बेसिस पे। इबिट्टा मार्जिन का परफॉर्मेंस 26% रहा है 9 महीनों में और मुझे लगता है बरकरार होगा। इसके दो वजह है, एक आई थिंक जो की मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, कॉस्टिक सोडा एज एन एग्जाम्पल, इसके जो भाव है यानी जो एंड यूजर प्राइसेस है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30-40% का उछाल दिखा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर मोर देन 150%। तो फ्लेक्स की मैं बात कर रहा था, उसमें तो और भी है अराउंड 55-60% और 200%, और क्लोरीन में ऑलमोस्ट 40% का राइज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। तो हम समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, इसका एंड प्राइस में जो इंक्रीज और इजाफा है, ये टॉप लाइन मार्जिन और बॉटम लाइन में एक जबरदस्त ग्रोथ लाने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूजर इंडस्ट्रीज है बहुत डिवर्सिफाइड है, टेक्सटाइल्स, सोप, डिटर्जेंट, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मा, डाइज, पेस्टिसाइड एंड नेम इट, द कंजम्पशन ऑफ गुजरात एल्कली प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो केपेक्स प्लान्स है, जो नया फॉस्फोरिक एसिड प्लान डाल रहे हैं, जो नया क्लोरोमीथेन्स प्लान डाल रहे हैं, जो डिविडेंड यील्ड 1% की, ये शायद स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट देगी अर्निंग्स के हिसाब से। तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रहेगा, गुजरात एल्कलीज इज समथिंग दैट वी लाइक, एक 18-20% की अपसाइड मुमकिन है, बट सिंस दैट ओनली वी आल्सो मेंटेन स्टॉप लॉसेस रिस्क के हिसाब से, मैं लगता है 800-805 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। डिस्क्लेमर, मेरे पास